और इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज की प्यारे बाप दादा के साकार मधुर मुरली हैं 29 जनवरी 2024। आज की मुरली के सार में बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है, यह बेहद का नाटक का बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, यह सदैव जलती रहती हैं। और कहा आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अपना पार्ट बजाते हैं। फिर हम पहले अपने घर वापस जाएंगे, फिर यहाँ सतयुग में आएंगे। और कहा बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं, राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है, जिसको मनुष्यों ने देखा भी नहीं है तो भी सबके मुख से स्वर्ग का नाम जरूर निकलता है। फिर कहा बाबा जैसे तुम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, ऐसे फिर तुम बच्चों को दूसरों का करना है, सारा दिन सर्विस में लगे रहना है, जो भी आए उनको समझाना है, रास्ता बताना है। फिर कहा अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए, भल कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है, यह तो अथा अनगिनत कमाई है। और कहा बाबा जो मुरली चलाते हैं वह खजाना है, जब तक बाबा दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो, खजाना लेते रहो। और कहा तुम्हारा यह जाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने, ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा, कहेंगे बाबा बस हम आपके ही पास बैठे रहे, यह सब कुछ आपका है, जो बाबा से हमें विश्व की बादशाही मिलती है, यहाँ बाबा के पास तो हम जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें फिर दूसरों का श्रृंगार करना है, सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। आज मुरली से प्रश्न है, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो, तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है तो सुनकर ही मुंझ जाते हैं, शास्त्रों में तो यह बातें सुनी ही नहीं है, इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला है हम छोड़ कैसे सकते, सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है, सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। आज मुरली में गीत बजा, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं, यह हमारा देश नहीं है, यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है, कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, यह सदैव जलती रहती हैं। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबर वार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने, पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो, यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं नाटक के एक्टर होते हैं वह खुद अपने पार्ट को भी जानते हैं और दूसरे के पार्ट को ऑक्यूपेशन को भी जानते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो, तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है, जैसे वह कॉमन बीज और जाड़ होते हैं उनको जानते हो ना, पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते जाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है, तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉडफादर,
हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है दूर देश का रहने वाला, यह रावण राज्य पर आया है, रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है, तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। अर्थात बाबा कहते हैं सतयुग से सारी आत्माएं एक साथ तो पार्ट बजाने नहीं आएंगी। नंबरवार जैसे जिसका पार्ट है, जैसी आत्मा की क्वालिटी है, संपूर्णता है, उसी अनुसार पार्ट बजाने आएंगी। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं, उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वापस आती हो, यह बाप ने ही बुद्धि दी है, अर्थात यह ज्ञान बाबा ने ही दिया है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है, हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर में है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है, अभी झाड़ पूरा ही जड़ जड़ी भूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे, जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा कैसे हो सकता। यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है, पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है, नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है, शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितना वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं, बाप एक ही बार का मुसाफिर है, और तुम सदैव आते रहते हो, पुराना शरीर छोड़ नया लेते रहते हो। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पार्ट बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक, अर्थात बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी बुढ़ापे तक सुख मिलता है, फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे, अकाली मृत्यु नहीं होगा, वह है ही अमर लोक, काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं, तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि सर्प जब अपनी पुरानी खाल छोड़ता है तो क्या उसको दुख होता होगा? और ही खुशी होती होगी। बाबा कहे और ही खुशी होती होंगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है, शरीर तो बिल्कुल अलग है, उनमें आत्मा न होती तो शरीर चल न सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं, राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है, मनुष्यों ने देखा भी नहीं है, तो भी सबके मुख से स्वर्ग का नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते हैं राम राज्य के वंडर ऑफ वर्ल्ड का, स्वर्ग का कईयों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी, अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया। अब बरोबर यह गीता एपिसोड है। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते, तुम बहुत मजे से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक आदि जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है।
बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंचे भगवान। वह भारत में कैसे आते हैं उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति शरीर का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराए। बाबा कहे अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों का करा रहे हो, मनुष्य से देवता बनने का। यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे आया सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है, सो तो होगा। बाबा कहते हैं ऐसा तो होगा ही। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, कोई कोई को दो वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते हैं फिर आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ड्रामा चलता रहता है, समझ में आता है तो फिर वापस आ जाते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वह भक्ति अपनी ओर खींचती है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है, यह है तुम्हारी बाजोली, तुम चक्र लगाते हो। इनको विराट नाटक कहा जाता है, इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उससे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई समझेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझना चाहिए कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। यह है अथा अनगिनत कमाई। बाबा कहते हैं जो समझ जाते हैं वह यह निश्चय कर लेते हैं कि यहाँ अनगिनत कमाई है तो हम तो जरूर पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, कितनी महीनता है। बाबा कहते हैं ज्ञान की कितनी महीनता है जो बाबा आकर समझाते हैं। तुमने कितने चक्र लगाए हैं, यह ड्रामा जू मिसल चलता है। एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। वहाँ सतयुग में गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी, जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान भपका होता है, अर्थात जैसा यहाँ संगम का पुरुषार्थ वैसा वहाँ सतयुग में प्राप्ति। खुशी भी आत्मा को ही होती है, हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है, कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ बाबा तृप्त हुए तो यह सब खेल चलता आता है। बाबा जो समझाते हैं यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाबा तुमको रिज्यूनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक, आत्मा भी अमर, काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्मा से बात करते हैं, अकाल आत्मा जो इस तखत भ्रकुटी में बैठी है उससे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं, बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखो। आत्मा भाई से हम बात करते हैं फिर क्रिमिनल दृष्टि न जाए, यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। कल भी बाबा ने इस बात पर बार बार अटेंशन दिलाया, आज भी बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि किसी से भी बात करते हैं मिलते हैं तो आत्मिक भान पक्का हो। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पार्ट बजाया है, हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं, सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे, कुछ परसेंट सोने का होगा, भल पवित्र होकर जाते हैं परंतु पावर तो कम है ना, एक दो जन्म करके लिए, इससे क्या हुआ।
बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। जब तक बाबा दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। बाबा कहते हैं जब तक बाबा से ज्ञान खजाना मिलता रहे तब तक बाबा को याद करते रहना है। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इसको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वह सतयुग है नंबर वन, नर्क है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे, तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नोंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता, पुरानी दुनिया कौन बनाते, यह सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग, यह किसी को पता ही नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, किसके ख्याल में भी नहीं आता। बाबा कहते हैं यह ख्याल किसी को भी नहीं आता कि भगवान स्वयं आकर हमको ज्ञान देंगे और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाएंगे। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें ब्रह्मा में बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा, क्योंकि ज्ञान समझाने के इतने सारे साधन बनते जाते हैं तो समझाना भी सहज हो जाता है। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने, ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेंगे बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे, यह सब कुछ आपका है, ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों। जोश बहुतों को आता है, बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाए, यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे रियलाइज करते हैं कि बाबा के साथ हम हैं तो जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाबा की श्रीमत लेनी पड़े। बाबा कहेंगे ऐसे नहीं करना है, उछल तो आएंगी परंतु ड्रामा में ऐसे नहीं है। जो सब यहाँ बैठ जाए जोश आता है, क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पार्ट है वह सुनते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इससे क्या मिलेगा। कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या, यह है अविनाशी विद्या। जो अविनाशी बाप देते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है, वह तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ माम एकम याद करो, शरीर पर भरोसा नहीं है। पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो बाप का काम है समझाना, उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, यह तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्रात की कोई बात नहीं, भूख मर नहीं सकते। बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने आप को अर्पण कर देते हैं उनको फिक्रात की कोई बात नहीं। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद ही नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते, पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। कुछ दिनों पहले बाबा ने याद किया था, आज फिर बाबा भोली दादी को याद कर रहे हैं, जो बाबा के समय पांडव भवन का भंडारा संभालते थे, सबको खिला करके फिर लास्ट में खाते थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा आत्मा भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरा, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी जूली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, जोर जोर से हंसना नहीं लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्न चित, यह नहीं सोचो कि उसने एक घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ एक सेकंड बोला, सेकंड भी बोला या सोचा, शकल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। एक घंटा सहन किया फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्माएं ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनते। अर्थात बाबा कहते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन सदा चेहरे पर आत्मिक मुस्कुराहट रहे, और आत्मिक मुस्कुराहट चेहरे में प्रसन्नता के रूप में दिखाई देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, कोई कुछ भी बोले कैसा भी व्यवहार करे लेकिन हमें सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है तो उन बातों का प्रभाव नहीं होगा। आज का स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। आज का विशेष पुरुषार्थ है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज बाबा ने अनुभव करने के लिए कहा कि जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस वाले धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, ज्ञान की शक्ति है साइलेंस की शक्ति, सहन शक्ति। तो जितना ज्ञान युक्त बोल कर्म और व्यवहार होगा उतना ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज अनुभव होंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।